गुड इवनिंग फ्रेंड्स, देखिए हम रियल एनालिसिस का चैप्टर 4 कर रहे थे मैट्रिक्स स्पेस और अभी तक हम अपने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके थे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि ऐसी कौन से 4 प्रॉपर्टी हैं जिन्हें सेटिस्फाई करने के बाद कोई मैपिंग एक्स क्रॉस एक्स से आर तक हम उसे मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स के एंड देन बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड सीक्वेंस, और आज की वीडियो का हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है वो रहेगा इंड्यूस्ड मैट्रिक। सबसे पहले हम समझेंगे इंड्यूस्ड मैट्रिक है क्या, उसके बाद इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे, देन एक थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इंड्यूस्ड मैट्रिक, नाम से ही पता चल रहा है ऐसी मैट्रिक जो कि किसी और मैट्रिक से इंड्यूस हुई हो, ठीक है। यानी कि जब हम एक मैट्रिक की हेल्प से एक और मैट्रिक खुद से हम डिफाइन करेंगे तो उसे हम कहेंगे इंड्यूस मैट्रिक। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि इंड्यूस मैट्रिक का कंसेप्ट किस तरीके से है। डेफिनेशन देखिए इसकी, लेट एक्स टी बी मैट्रिक स्पेस। एक्स टी आपके पास कोई एक मैट्रिक स्पेस है और आपने सेट एक्स पर एक न्यू मैट्रिक डिफाइन की है, डैट इज डी स्टार। और किसकी हेल्प से, मैट्रिक जो आपके पास डी ऑलरेडी गिवन थी, पहले आपके पास एक्स टी मैट्रिक गिवन थी और अब आपने सेट एक्स पर एक और मैट्रिक डिफाइन की है विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी जो आपके पास गिवन मैट्रिक थी डी, ठीक है। द न्यू मैट्रिक डी स्टार जो है, जो आपके पास न्यू मैट्रिक डी स्टार आई है, इसको आप क्या कहेंगे, मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय डी, यानी कि डी मैट्रिक की हेल्प से आपने इसे इंड्यूस किया है, ठीक है। अब यही चीज़ आपको थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी कि आपके पास ऑलरेडी एक मैट्रिक दिया होगा और उसके बाद डी स्टार एक मैट्रिक डी की हेल्प से डिफाइन होगी, और ये सब किस तरीके से है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, ये आपको एक एग्जांपल के बाद ही क्लियर होगा कि इस तरीके के मैट्रिक के एग्जांपल किस तरीके से आते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट देखते हैं हम क्या है। एग्जांपल की स्टेटमेंट है, लेट एक्स टी बी ए मैट्रिक स्पेस और आपके पास डी फंक्शन डिफाइन है एक्स क्रॉस एक्स टू आर पर, वेयर आर इज रियल एंड आपके पास डी स्टार एक्स वाई किस तरीके से डिफाइन है, मिनिमम ऑफ 2 और d ऑफ एक्स वाई। एक बार आप देखिए d स्टार एक्स वाई आपके पास किस तरीके से डिफाइन है, मिनिमम ऑफ 2 d ऑफ एक्स वाई। अब आपको पता है ये चीज़ ऑलरेडी मैट्रिक है, d ऑफ एक्स वाई ऑलरेडी आपके पास मैट्रिक गिवन है, तो यहाँ से इस मैट्रिक का यूज़ करते हुए हमने एक न्यू मैट्रिक इंड्यूस की, इसी तरीके की मैट्रिक को ही तो कहते हैं मैट्रिक स्पेसेस। अब आपको इसके अंदर प्रूव करना है कि डी स्टार भी आपके पास मैट्रिक है, इसका मतलब जो भी आपके पास कंडीशंस थी जो आपने मैट्रिक के लिए, मैट्रिक को प्रूव करने के लिए आप यूज़ करते थे, वही आपको इस केस में भी सेटिस्फाई करके दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर बस आप किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो कि डी आपके पास ऑलरेडी मैट्रिक है, ये आपके पास पूरे क्वेश्चन के अंदर बहुत यूज़फुल रहेगी ये चीज़। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपके पास थी वो आपको अच्छे से पता होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, नॉन नेगेटिविटी, डेट इज़ जो भी आपको मैट्रिक प्रूव करनी है उस फंक्शन को हम क्या दिखा देंगे, नॉन नेगेटिव है, यानी कि उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पर हमें दिखाना है डी स्टार एक्स वाई को, तो देखो डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू क्या आपको लग रही है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आनी चाहिए, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि देखो मिनिमम ऑफ 2 और डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पर आपको पता लग रहा है दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसके ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आने का मतलब क्या है हमारे पास, कि मिनिमम ऑफ 2 और डी ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। और ये चीज़ हमारे पास ट्रू है क्योंकि देखो 2 तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, डी क्योंकि एक मैट्रिक है तो ज़रूर ये अपने 4 कंडीशन सेटिस्फाई करके आया होगा, यानी कि ऑलरेडी 4 कंडीशन इस पर सेटिस्फाई हो रही है, ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, दोनों ही चीज़ें ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, तो इनका मिनिमम भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो,
ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से फर्स्ट कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन में आपको क्या प्रूव करना है कि अगर आपके पास डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू 0 है, वो सिर्फ तभी होगी जब हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, तो आपको वही करना है, डी स्टार एक्स वाई आप 0 लेंगे, विच इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय मिनिमम ऑफ टू और डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इनका मिनिमम 0 कब होगा? देखो, ये चीज़ तो 0 है नहीं, लेकिन इन दोनों में से मिनिमम क्वांटिटी इक्वल टू 0 है। ठीक है, इन दोनों का मिनिमम 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई 0 के इक्वल होगा, क्योंकि देखो 2 तो आपको पता है ग्रेटर देन 0 है। दो टर्म्स का मिनिमम 0 आ रहा है, तो पक्का सेकंड वाली टर्म जो कि अननोन है वो 0 होगी। और क्योंकि डी ऑलरेडी मीट्रिक है, तो ये मीट्रिक की जो भी हमारे पास कंडीशंस थी उसको ऑलरेडी प्रूव करके आ चुका है। तो अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। ये तो हमने मैट्रिक के प्रॉपर्टीज़ में पढ़ ही रखा है कि अगर आपके पास डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है, विच इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमें जो ऑलरेडी मैट्रिक दी हुई है वो भी इतनी ज़्यादा यूज़फुल है। अब थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर आपको क्या दिखाना है कि डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स दिखाना है। ठीक है, सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी। अब देखो, ये चीज़ जो हमारे पास है डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ टू डी ऑफ एक्स वाई, इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? मिनिमम ऑफ टू डी ऑफ वाई एक्स। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि डी आपके पास ऑलरेडी मैट्रिक थी, और मैट्रिक की हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी यही होती है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, इसलिए हमने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। अब ये हमारे पास किसके इक्वल बन रहा है? डी स्टार वाई एक्स। तो हम एल एच एस लेकर चले और हमने इजीली आर एच एस को प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हो गई थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई। आपको पता लग रहा होगा कि कितनी ये चीज़ कंडीशन यूजफुल थी जो हमारे पास डी मेट्रिक दिया हुआ है इंड्यूस मेट्रिक को प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब आपके पास जैसा कि हर केस के अंदर ट्रेंगुलर इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी सबसे अच्छी होती है प्रूव करने में, सबसे अच्छी इन द सेंस बाकी तो बहुत सिंपल होते हैं, उसी में ही आपको टाइम लगता है, उस प्रॉपर्टी में ही आपको पता लगता है कि आपको कितने कंसेप्ट आए हैं अभी तक और कितने नहीं आए। चलो, अब हम उसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए आपने तीन एलिमेंट्स ले लिए बिलोंग टू द सेट एक्स एक्स वाई जेड, और आपको ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है, डी स्टार एक्स वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार वाई जेड वाई। ठीक है, आपके पास ये चीज़ ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ डी स्टार से, यानी कि देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, डी स्टार एक्स वाई क्या दिया हुआ है? मिनिमम ऑफ टू और डी ऑफ डी एक्स वाई। ये मिनिमम आएगा या तो टू और डी ऑफ एक्स वाई, इन दोनों का जो भी मिनिमम है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको क्या लिख सकती हूँ कि डी स्टार एक्स वाई जो है लेस देन और इक्वल टू टू आएगा, एंड डी स्टार एक्स वाई डी से भी कम आएगा। ठीक है, इनके मिनिमम के इक्वल आ रहा है, तो यानी कि ये टू से भी कम आएगा, डी ऑफ एक्स वाई से भी कम आएगा। अब यहाँ पे आपके पास दो केसेस आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास दो केसेस कौन से आ रहे हैं कि अगर आपके पास डी ऑफ एक्स वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू टू है, तो पहला केस दैट इज केस वन हम क्या ले रहे हैं कि इफ राइट हैंड साइड पर डी स्टार एक्स जेड और डी स्टार जेड वाई पर हम फोकस करेंगे, डी स्टार एक्स जेड इज इक्वल टू टू, या तो ये टू के इक्वल आएगा और डी स्टार जेड वाई इज इक्वल टू टू, या फिर ये टू के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखो एल एच एस में जो हमारे पास है डी स्टार एक्स वाई, इसकी हमने वैल्यू लिख दी टू। ठीक है, और ये चीज़ आपके पास कम आ रही है, लेस देन और इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। ठीक है, आपके पास
प्रूव आपको करना है कि डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। इस चीज़ को आपको प्रूव करना है। और आपके पास केस आप क्या ले रहे हो, जहाँ पर आपके पास डी स्टार एक्स जेड भी टू है और डी स्टार जेड वाई भी टू है। तो टू प्लस टू हो गया फोर, तो हमारे पास टू जो है इनके एडिशन से तो लेस आ ही रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। प्लस आपके पास ये चीज़ ऑलरेडी है, ये आपके पास कहाँ से आई, डी स्टार की डेफिनेशन से आपने ये चीज़ निकाली। और अब हम इसका यूज़ करेंगे कि डी स्टार आपके पास डी स्टार एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू टू है। देखो ये चीज़ लेस देन और इक्वल टू टू, और टू इस पूरी की पूरी चीज़ से कम है। इसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंबाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि डी स्टार ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी स्टार ऑफ एक्स जेड प्लस डी स्टार ऑफ जेड वाई, ठीक है, ये चीज़ हम कह सकते हैं इससे। ओके, तो हमारा यहाँ पर केस वन हो जाता है प्रूफ। अब इसके बाद केस टू के अंदर हम डी स्टार एक्स जेड और डी स्टार जेड वाई इन दोनों की ही वैल्यू नॉट इक्वल टू टू लेंगे, इन दोनों की ही वैल्यू नॉट इक्वल टू टू लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट केस के अंदर आप एंड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने और का यूज़ किया था कि इनमें से एक भी वैल्यू अगर टू आ गई तो, अगर एक भी वैल्यू टू ना आती यानी कि एक नॉट इक्वल टू टू भी आ जाती और एक टू आ जाती तब भी तो ये टू से लेस देन और इक्वल टू ही था ना। मेन तो हमें इसी चीज़ का यूज़ करना था यहाँ पर कि टू से लेस देन और इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पर एंड लिख देती तब तो यहाँ फोर लिख सकती थी मैं, लेकिन फोर की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया और। अब नेक्स्ट केस में आपका आ जाएगा एंड। एंड से यहाँ पर आपके पास मतलब क्या हुआ कि ना तो डी स्टार एक्स जेड टू के इक्वल है, ना ही डी स्टार जेड वाई टू के इक्वल है, ना तो ये टू के इक्वल है ना ही ये टू के इक्वल है। और ऊपर वाले केस में क्या था कि इन दोनों में से कोई भी एक टू के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, अगर ये हमारे पास टू के इक्वल नहीं है तो आपके पास क्या बन जाएगा इस केस के अंदर, डी स्टार एक्स जेड इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड बन जाएगा, ठीक है। और हमारे पास डी स्टार एक्स जेड सॉरी जेड वाई, यहाँ पर जेड वाई है ना, ये बन जाएगा डी ऑफ जेड वाई के इक्वल, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशंस हम लेके ये दोनों ही कंडीशन आपके पास डेफिनेशन से आई हैं कि आपके पास डी स्टार एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू टू भी होगा एंड डी स्टार एक्स वाई आपके पास डी ऑफ एक्स वाई से लेस देन और इक्वल टू भी होगा। अब आप इस केस में क्या लेके चल रहे हो, ये तो नॉट इक्वल टू टू है, ठीक है, तो इस केस में हमने यहाँ पर हम पहुँच गए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए डी स्टार एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, डी ऑफ एक्स वाई से लेस देन और इक्वल टू है इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए, एंड दैट इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई हमारे पास किससे कम है, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। बाई यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इन डी, डी आपके पास ऑलरेडी मैट्रिक दिया हुआ है, डी मैट्रिक की हम फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करें क्योंकि उसको सेटिस्फाई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे पास मैट्रिक दिया हुआ था, जिस वजह से हम उसकी प्रॉपर्टी को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया। अब देखो डी ऑफ एक्स सेड इज इक्वल टू डी स्टार एक्स सेड एंड डी ऑफ जेड वाई इज इक्वल टू डी स्टार जेड वाई, ठीक है। यहाँ पर आपने जस्ट इनकी वैल्यूज़ को कर दिया है रिप्लेस, और इसके बाद आपने जो प्रूफ करना था वो आपके पास आ गया है इस केस में भी, दैट इज डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, ठीक है, ये चीज़ आपके पास हो गई है प्रूफ। सो वी कैन से डैट कि आपके पास क्योंकि चारों प्रॉपर्टी डी स्टार पे आपने सेटिस्फाई करके दिखा दी, सो वी कैन से डैट डी स्टार इज अ मैट्रिक ऑन एक्स। डी आपके पास ऑलरेडी मैट्रिक दी हुई थी और अब आपने दिखा दिया कि आपके पास डी स्टार भी क्या है, ऑलरेडी मैट्रिक है।
अब आप यहाँ पे देखो, इस केस में तो आपके पास क्या था, मिनिमम ऑफ टू और डी ऑफ एक्स वाई। इसके जगह आपके पास अगर कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर दिया होता है इस टू की जगह, तो आप उसके लिए भी सेम कंसेप्ट ही यूज़ करते। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर टू की जगह कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर आ जाता, तो उसका प्रूफ भी एज इट इज़ चलता, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने इसका प्रूफ किया है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है, जो एग्जांपल आपके बुक के अंदर गिवन है, उसमें आपके पास मैट्रिक देखे किस तरीके से डिफाइन है, डी के एक्स वाई इज इक्वल टू के डी ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर के आपके पास एज अ स्केलर मल्टीपल का काम कर रहा है, और इसके अंदर भी आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। जस्ट आपने जैसे थोड़ा बहुत तो आपका इसी क्वेश्चन जैसे रहेगा, ये भी इंड्यूस मैट्रिक का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर डी मैट्रिक दी हुई है, और आपके पास के जो है वो रियल और पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, और आपको डी के को मैट्रिक प्रूफ करना है, तो बहुत इजीली हो जाएगा। आपको ये ट्राई भी करना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, सो डैट मैं इसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्यूशन आपको बता सकूँ। ठीक है, अदरवाइज बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपसे खुद से ही हो जाएगा। ठीक है, अदर देन दी स्क्रिप्ट थ्योरी का चैप्टर फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ अभी अपलोड हो रहा है, तो ये सब चैप्टर्स भी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, डेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अब हम उसको प्रूफ करेंगे मैट्रिक के अंदर। तो चलिए देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन के आपके पास स्टेटमेंट है, प्रूव डैट इफ़ एक्स टी इज़ अ मैट्रिक स्पेस एंड एक्स वाई जेड आपके पास पॉइंट्स हैं एक्स के, तो आपको प्रूव करना है उस केस के अंदर कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई का मॉड्यूलस। देखिए हम इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, बहुत ही ईजी है। जस्ट आपको फोर्थ प्रॉपर्टी, आपके पास देखो एक्स टी ऑलरेडी मैट्रिक दिया हुआ है, तो एक्स टी क्योंकि आपके पास मैट्रिक दिया हुआ है, सो मैट्रिक की हम फोर्थ प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाली हम यूज़ करेंगे। देखो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज़ करते हुए हम ये लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स सेट इज़ लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई सेट। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहेंगे नॉर्मली हम क्या लिखते थे, डी ऑफ एक्स वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स सेट प्लस डी ऑफ वाई सेट और जेड वाई। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने उसकी जगह रिप्लेस करके ये चीज़ क्यों लिखी, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है, एक तो उसको प्रूफ करने में हमें हेल्प मिलेगी, सेकेंडली क्योंकि देखो एक्स वाई जेड अगर आपके पास तीन पॉइंट्स हैं तो आप रिप्लेस करके कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स जेड और वाई जेड। यानी कि देखो जो दो पॉइंट्स आप लेफ्ट साइड में लिख रहे हो, बाकी के रिमेनिंग आपको राइट साइड के अंदर लिखने हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है आपके पास कि आपको हर केस के अंदर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई यही लिखना है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है आपके पास। ठीक है, जैसे आपके पास एक्स वाई जेड तीन पॉइंट्स है तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक्स जेड चाहिए था, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिख लिया एक्स जेड। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना होता है कि इज लेस देन और इक्वल टू के बाद फर्स्ट वाला पॉइंट लिखेंगे आप सबसे पहले, और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आपका रह गया वो लिखेंगे प्लस डी ऑफ देन थर्ड पॉइंट। और ये तो आपको देखो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी तो आप क्लास 12 से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डी ऑफ वाई जेड की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, देखो इसको तो हमने लिख दिया एज इट इज़ प्लस डी ऑफ वाई जेड को आपको पता है आप क्या लिख सकते हो, डी ऑफ जेड वाई, क्योंकि आपके पास डी ऑलरेडी मैट्रिक है, तो आपके पास ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए डेट इज़ आपने पता भी होगा आपको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग से ही यूज़ किया है, तो उसका यूज़ करते हुए मैं इसको लिख रही हूँ डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, अब एक्स जेड ऑलरेडी यहाँ पर है और जेड वाई उस तरफ ले आएंगे, डेट इज़ डी ऑफ एक्स जेड माइनस ये चीज़ हम उस तरफ ले आएंगे डी ऑफ जेड वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है,
और एक बार आपके पास जो इक्वेशन आई है आप इसको होल्ड पे करके रख लेंगे, डेट इज इसका कुछ भी नाम दे लीजिए। अब जैसे आपने यहाँ पर एक्स जेड पर लगाई थी, यही प्रॉपर्टी हम जेड वाई पर लगाएंगे। डेट इज डी ऑफ जेड वाई इज इक्वल टू डी ऑफ जेड रिमेनिंग पॉइंट प्लस डी ऑफ एक्स और हमारे पास वाई। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अगेन पता है इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स एड, क्योंकि आपके पास डी ऑफ जेड एक्स डी ऑफ एक्स एड के इक्वल होगा प्लस डी ऑफ एक्स वाई। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर डी ऑफ जेड वाई माइनस डी ऑफ एक्स एड आएगा। ये चीज़ आप लेगा लेफ्ट हैंड साइड में इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स। ये यहाँ पर साइन लेस देन और इक्वल टू का ही था, ये इक्वल टू का इसलिए लगाया क्योंकि ये चीज़ आप इसके इक्वल दिखा रहे हो ना कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में अभी भी आपके पास लेस देन का साइन ही रहेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद। इसके बाद देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने इन दोनों के अंदर से माइनस कॉमन ले लिया। अभी आपको सब पता लग जाएगा क्यों लिया मैंने। इसको आप देंगे इक्वेशन टू का नाम। इक्वेशन वन आपके पास ऑलरेडी है और ये जो आपके पास आई है ये है आपके पास इक्वेशन नंबर टू। अब देखो आपके पास ये पूरी चीज़ डी ऑफ एक्स वाई से कम है और इसका नेगेटिव भी इससे कम है। एक तरीके से अगर इस पूरी चीज़ को मैं ए मानूँ और राइट हैंड साइड को मैं बी मानूँ तो ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी और माइनस ए भी लेस देन और इक्वल टू बी है। इन दोनों से हमारे पास इम्प्लाई क्या होता है, ए मोड इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। वही चीज़ अब हम करेंगे इक्वेशन वन एंड टू को कंबाइन करते हुए लेफ्ट हैंड साइड का मोड ले रहे हैं। ये हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड का मोड इज़ लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का हमने ले लिया मोड। अब देखो डी ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, यही चीज़ बस मैंने रिवर्स करके लिखी है। राइट हैंड साइड में इस तरफ ले आई और लेफ्ट हैंड साइड में उस तरफ ले गई। ठीक है, और एक बार आप देखिए आपको प्रूफ भी तो इस क्वेश्चन के अंदर यही करना था। ठीक है, तो आपके पास जो प्रूफ करना था वो आपके पास आ गया। बस आपको यही ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकंड केस को कंबाइन करके ये आपके पास कहाँ से आया, ये आपके पास इस तरीके से आया। क्योंकि देखो एक चीज़ ए जो है एक क्वांटिटी है जो बी से कम है और उसका नेगेटिव भी उससे कम है, इसका मतलब ए मोड क्या होगा उस क्वांटिटी से कम होगा। ये आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास टू लेस देन फोर है, ए को टू पुट किया है बी को फोर पुट किया है और माइनस टू इज़ लेस देन और इक्वल टू फोर है, इसका मतलब क्या है, टू का मोड क्या होगा फोर से कम या इक्वल। यहाँ पर तो कम है साफ दिख ही रहा है, यहाँ पर एक्स वाई में आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आपने जो ये अभी जस्ट आपने ये चीज़ प्रूफ किया इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक तो नेगेटिव साइन है तो इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, और जो आप फोर्थ प्रॉपर्टी से यूज़ करते हो उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे कंसेप्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको इस टॉपिक को पूरे अच्छे से रिवाइज करना है और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको खुद से ट्राई करना है। हम नेक्स्ट वीडियो से पहले आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में आपको किन क्वेश्चंस में डाउट है, सो डैट आपके डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व हो पाए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका मेन टॉपिक हमारा रहेगा सेमी मेट्रिक स्पेसेस। ठीक है, तो आपको इस कंसेप्ट को तब तक अच्छे से करना है और अभी तक जितनी भी वीडियोस हुई हैं उन्हें अच्छे से, उनमें कोई भी डाउट हो तो वो भी आप मुझे अच्छे से करके, देन कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास ग्रुप्स में शेयर कीजिए कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।